साथियों जय हिंद। साथियों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा हमने किया था लास्ट वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में तथा उनको बनाने के नियमों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अन्य सेंटेंसों, जैसे नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंसेस और सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको प्रश्नवाचक सेंटेंसेस कहते हैं, वाक्य, उसकी चर्चा करेंगे। सॉरी, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि टेंस के बारे में अगर हम रिकॉल करें तो हमने बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से तीन प्रकार के टेंस होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल, फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। इसमें हमने बताया था कि तीन प्रकार के होते हैं, उनके तीनों के अलग अलग चार 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 प्रकार और होते हैं। प्रेजेंट में क्या होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, कंटिन्यूअस पास्ट में भी यही होता है और फ्यूचर में भी होता है। कौन से नियम बताए? सॉरी, ये क्या बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस, एक तो प्रेजेंट टेंस आपका होता है तीन प्रकार में, दूसरा पास्ट होता है, तीसरा क्या होता है? फ्यूचर होता है। अब इन सबके भी चार चार प्रकार होते थे, हमने बताया था आपको। चार चार कौन से होते हैं? इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट टेंस होता है इसका, इसका कंटिन्यूअस होता है, और इसका आपका परफेक्ट होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। हमने आपको बताया प्रेजेंट टेंस के बारे में। हम इसी तरीके से इसके भी फोर पार्ट होते हैं पास्ट के, इसके फ्यूचर के भी सिमिलरली पार्ट होते हैं। इस तरीके से चार पार्ट इसके, चार इसके, चार इसके, बराबर कितने हो जाते हैं? 12। 12 प्रकार टेंसों को हमको पढ़ना है। तो हमने प्रेजेंट टेंस की शुरुआत की थी, प्रेजेंट टेंस की हमने पहचान बताई थी। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने आपको बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल टेंस भी कहते हैं इसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए चाहे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहिए। तो हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए विशेषता क्या है? अगर हिंदी वाक्य के अंत में आपके ता है, ती है, ते है लगा होता है, तो वो वाक्य हमारा किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है, हमने बताया था। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना होता है? सिंगुलर और प्लूरल का, एक वचन और बहुवचन का ध्यान रखना होता है इसमें। सिंगुलर हमने बताया था, कोई भी वन थिंग्स जितनी है वो सब सिंगुलर है। वन थिंग्स के अलावा जितने भी प्रोनाउन है उसके, जैसे आपका वन थिंग, एक वस्तुएं जितनी है सब सिंगुलर में आएंगी। जैसे नेम है किसी का, सिंगुलर में आएगा। इसके अलावा इसके प्रोनाउंस जितने होते हैं, ही है, सी है, ही सी, इट है, इटी सी, ये सब किस में आते हैं? सिंगुलर में आते हैं। इसी तरह प्लूरल में हमने क्या बताया था? मोर देन वन थिंग्स जितनी भी हैं आपकी, मोर देन वन थिंग्स जितनी हैं वो सब कितनी किस में आएंगी? प्लूरल में आएंगी। इसके अलावा और कौन सी आएंगी? हमने कहा था जो जिनमें क्या होता है, जो डोमिनेंट होते हैं, जिनमें पार होता है सेंस में उसमें, जैसे मैं जोड़ दे के जो बोला जाता है, मैं, तुम, हम, ये सब प्लूरल में आते हैं। जैसे वी,
हम का प्लूरल में आएगा, यू प्लूरल सेंस में है, एंड आपका आई प्लस मोर देन वन थिंग्स जितनी है आपकी, ये आपके प्लूरल्स में आते हैं। तो हमको सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। अब हमने बताया था कि प्रेजेंट इंटीमेट टेंस को बनाने के लिए नियम क्या होते हैं। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो लार्ज बताया, आपको लार्ज बताया था हमने, नियम बताए थे, रूल्स बताए थे। तो रूल्स क्या है इसके बनाने के, हमने बताया था सब्जेक्ट फॉर सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस आर एस, यस या ईएस जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऐड हो जाएगा। ये सिंगुलर के लिए, जैसे एग्जांपल इसके क्या है, इसे राम जाता है, हमने बताया था ईएस कब जोड़ेंगे, वावेल्स, वावेल्स के साथ ईएस रहता है। अगर ई पहले से वावेल्स है तो केवल एस जुड़ेगा, इसलिए ईएस जोड़ता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, राम सब्जेक्ट हो गया, पहले पहचानेंगे कैसे, ता है लगा है, इसका मतलब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। फिर सब्जेक्ट देखें, नेम है राम जाता है, राम एक नेम है, तो ये क्या होगा, सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर का रूल क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब क्या है, जाना, जाने का क्या होता है, गो, गो होता है, उसमें क्या लगेगा, वावेस तो ईएस लगेगा, तो राम गो वो वावेल है, तो इसमें ईएस जुड़ जाएगा, ईएस क्या हो जाएगा, राम गोज, राम गोज, राम जाता है। अब इसी में ऑब्जेक्ट हो, कहाँ जाता है, क्या करता है, जैसे हो राम बाजार जाता है, तो कंजक्शन लगा के जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम जाता है कहाँ को, बाजार, तो क्या बनेगा, गोज, कहाँ जाता है, टू मार्केट, टू मार्केट, तो ये बन जाएगा राम गोज टू मार्केट, राम बाजार को जाता है। ये हो गया सिंगुलर के लिए। और प्लूरल के क्या रूल है, हमने बताया था आपको प्लूरल्स के रूल बताया था, क्या रूल होगा प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर क्या हो गया, रिकॉल करा दिया आपको, प्लूरल के लिए रूल क्या होगा, तो हमने बताया था आपको इफ सब्जेक्ट क्या है, अगर कर्ता आपका बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, अगर कर्ता बहुवचन है तो यदि कर्ता मतलब सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन का है, बहुवचन का मतलब प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या होगा, तो नियम क्या है बनाने का, तो इसको बनाने का नियम क्या हो जाएगा, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है, सकारात्मक वाक्य जो होते हैं, तो नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये नियम बन गया हमारा। जैसे कि एग्जांपल, अगर इसका एग्जांपल हम देखें, बहुत से एग्जांपल हैं, वे खाते हैं, ताती है लगे, वे प्लूरल हो गया, और वे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्या कहाँ कैसे लगा हो तो सब क्या, एक क्या कहाँ कैसे सब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, खेलते हैं, तुम पत्र लिखते हो, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, अब ये जितने सेंटेंस दिए हैं
अब इसमें आप पहले पहचानेंगे, लास्ट में हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या लगा, ते है, ती है, ता है, लगाओ तो क्या होता है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसमें फिर क्या देखते हैं हम, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है प्लूरल है, तो वे क्या होता, दे प्लूरल में आता है, तो रूल क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने क्या होता है, ईट, ऑब्जेक्ट है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा है? दे ईट, मतलब कि वे खाते हैं, सिंपल है। फिर वे क्रिकेट खेलते हैं, तो पहले खेलते ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वे क्या है देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो अप्लाई करेंगे रूल, ये रूल अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, दे खेलने क्या हो जाएगा, प्ले, वे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, क्रिकेट बन जाएगा, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, सिंपल है बनाने। मैं तुम पत्र लिखते हो, ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तुम है तो प्लूरल हो गया, पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, लगा दीजिए रूल्स। तुम पत्र लिखते हो तो सब्जेक्ट होगा यू, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, क्या कहता है, राइट, राइट रोड रिटर्न होती है तीन फॉर्म, तो हो जाएगा राइट, मतलब लिखते हैं, यू राइट क्या लिखते हैं, पत्र, यू राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो गया। मैं खेलता हूं, अब ता हूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं हमने बताया था ये आई इसमें क्या आ जाता है, कंसीडर प्लूरल में, तो मैं खेलता हूं तो आई, खेलने क्या होगा, बस प्ले फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, आई प्ले, मैं खेलता हूं। इस प्रकार से आपने देखा जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सकारात्मक हैं, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य नकारात्मक नहीं होते जिसमें ना ना लगाओ, नहीं का सेंस ना हो, जैसे अब तो सकारात्मक सेंटेंसेस हो गए, बनाने के नियम आपने देख लिया, सिंगुलर के लिए रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस आर यस प्लस ऑब्जेक्ट, यस कब लगेगा, जब आपका वॉवेल्स नहीं होगा, जैसे यहीं पे ले लीजिए आप, वह खाती है, वह खाती है, तो ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह है तो सी, ती है ना, ये क्या है स्त्रीलिंग है तो सी हो जाएगा, खाने क्या होता है, ईट हो जाएगा, अब इसमें वावेल लास्ट में नहीं तो केवल एस लगेगा, सी ईट्स, इस प्रकार से इसमें एस लग गया, इसमें वावेल था तो एस लगा था, सी ईट्स हो गया, वह खाती है, वह खाना खाती है, सी ईट्स फूड हो जाएगा, तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड हो जाएगा, इसमें प्लूरल में यस या यस नहीं लगाया जाता। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, सकारात्मक वाक्य जो होते हैं, उनका हम अनुवाद कैसे करते हैं इंग्लिश में, समझ में आ गया होगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे वाक्यों को देखते हैं, उनका बनाने नियम देखते हैं, जब वो नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव का हम देखेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या नियम होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, उस पर हम अब आगे चर्चा करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य जब हो, नकारात्मक में क्या हो जाएगा, नहीं जाता है, नहीं खाता, नहीं आता, नहीं करता है, नहीं लिखता है, नहीं पढ़ता है, नहीं लग जाता है, लेकिन इसका बनाने का नियम रूल्स में परिवर्तन हो जाता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो होते हैं, वाक्य जो होते हैं, नकारात्मक हो, तो सिंगुलर और प्लूरल का बनाने का नियम क्या हो जाता है, उस पर चर्चा करते हैं।
ऐसे वाक्यों बनाने के नियम क्या होता है, रूल्स ऑफ मेकिंग क्या होता है, बनाने के नियम, रूल्स ऑफ मेकिंग क्या होते हैं? तो इफ, अगर सब्जेक्ट कैसा आपका, इज सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है, मतलब कि अगर कर्ता आपका क्या है, एक वचन है, एक वचन के लिए क्या रूल होगा, तो रूल क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस इसमें हम क्या यूज करते हैं, डज नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मतलब बनाने के लिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे बनाने के लिए, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब अब एस या एस नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, राम विद्यालय नहीं जाता है या स्कूल नहीं जाता है। अब हमें बनाना है, अब पहले देखेंगे ता है तीय लगे, लेकिन इसमें नहीं भी लगा है, इसका मतलब ये क्या है, नकारात्मक वाक्य सेंटेंस है। अब नकारात्मक पहले देखेंगे क्या, इंडेफिनिट में है, ता है लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। नहीं लगा है, नहीं मतलब नो का सेंस है, तो क्या होगा, नकारात्मक वाक्य हो गया। अब हम अफर्मेटिव वाला नियम नहीं लगाएंगे, नकारात्मक हो गया। फिर देखेंगे सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हम ये रूल अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करिए, इसमें वर्ब क्या है, ये वर्ब हो गया आपका, ये नॉट का सेंस है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, बस ये वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। सब्जेक्ट क्या राम हो जाएगा, डज नॉट लगेगा, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जाने क्या होता है, गो होता है, गो, विद्यालय नहीं जा रहा, टू, कंजक्शन का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, गो टू, कहाँ नहीं जाता है, स्कूल, विद्यालय, क्या हो जाएगा, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम विद्यालय को नहीं जाता है, राम विद्यालय नहीं जाता है, तो ये सिंगुलर के लिए होगा आपका। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप, क्या होगा, महेश क्रिकेट नहीं खेलता है, मान लीजिए महेश क्रिकेट नहीं खेलता है, अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका, देखेंगे पहले पहचानेंगे, ता है लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, नहीं का प्रयोग है तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करेंगे। फिर देखेंगे महेश नेम है तो सिंगुलर है, डज नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, तो हो जाएगा महेश डज नॉट खेलने, क्या होता है, प्ले, हर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्ले क्या नहीं खेलता, क्रिकेट, मैं डज नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा आपका, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये बन जाएगा। तो ये एक वचन निगेट के लिए, निगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपका रूल्स होता है। अब अगर आपका सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, या दे सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट मतलब कर्ता कैसा हो, बहुवचन हो, बहुवचन का मतलब प्लूरल हो आपका, तब क्या करेंगे, तो क्या नियम लगाएंगे, तो रूल होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डू नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी, इसमें पहले थी, प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको देखना है कि प्लूरल है तो डू नॉट लगाना, सिंगुलर है तो डज नॉट लगाना, नकारात्मक सेंटेंस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दोनों में रहेगी, बस इतना अंतर है डज नॉट और डो नॉट का।
इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, विद्यालय नहीं जाते हो, तो क्या हो जाएगा, जाते हो नहीं लगा तो नकारात्मक हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ते है लगा है, नकारात्मक हो गया, तुम बहुवचन हो गया, तो ये रूल लग जाएगा, तो यू हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म जाने गो होता है, कहाँ नहीं जाते, विद्यालय गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम विद्यालय नहीं जाते या आप विद्यालय नहीं जाते हो। मीरा पत्र नहीं लिखती है, सॉरी मीरा एक से एक सिंगुलर हो जाएगी, वे या हम पत्र नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, नहीं है तो नेगेटिव हो गया, हम हो गया प्लूरल हो गया, रूल लग जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी डू नॉट लिखने का राइट फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, राइट अ लेटर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा लेटर, क्या हो जाएगा, वी डू नॉट राइट अ लेटर, हम पत्र नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल है, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी सब्जेक्ट के बाद, और प्लूरल अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से नकारात्मक वाक्य ऐसे होते हैं।